ओके, आज क्या करना है हमें? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें कंडीशन के बेस पे हम फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग तो पता है ना, मतलब देखो ये चीज़ें फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, कलर करना, फॉन्ट करना, बड़ा करना, बोल्ड करना, ये सारी चीज़ें क्या है, फॉर्मेटिंग का पार्ट है ना। तो यही चीज़ें हमें कंडीशन के बेस पे करनी है, कि कोई कंडीशन लगी हो, एक्सेल में कोई डेटा है ठीक है, उस पर कोई कंडीशन लगा दी हमने और उसके बेस पे वो अकॉर्डिंगली फॉर्मेट कर दे उस चीज़ को, दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखे हैं, ठीक है, इसमें से मुझे हाईलाइट करने हैं जो इवन नंबर्स हैं। कौन से हैं? क्या करोगे, होम पे जाओ, कंडीशन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये क्लिक करो। चलो इवन नंबर वगैरह बाद में देखेंगे, क्यों, वहाँ तुम्हें हो सकता है फॉर्मूला लगाना पड़े, वो एडवांस वाला पार्ट है, पहले बेसिक्स। हाईलाइट सेल रूल्स, सी यहाँ कुछ दिख रहा है? सबसे पहला ग्रेटर देन, लेट मुझे ग्रेटर देन 20 वाले हाईलाइट करने हैं। अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट 40 लिखा हुआ है, ये 40 से ऊपर वाले जितने हैं उतने हाईलाइट हो रहे हैं, है ना। मैं चाहूँ तो कुछ और कर सकता हूँ, 50, कोई भी 50 से ऊपर है ही नहीं, है ना। कितना करूँ, 20 कर दूँ, तो 20 से ऊपर वाले। अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ से तुम उसका फॉर्मेट सेट कर सकते हो, यहाँ क्या क्या फॉर्मेट पड़ा है, राइट लाइट रेड टेक्स्ट, राइट रेड क्या ये टंग ट्विस्टर है, ठीक है, इट्स अ टंग ट्विस्टर फॉर मी, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, बैकग्राउंड फिल मतलब वो बैकग्राउंड वाला जो कलर होता है, दैट इज लाइट रेड, उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो डार्क रेड, ठीक है, उल्टा कर देंगे तो दिखाई नहीं देगा, hmm. नहीं दिखेगा ना, डार्क रेड को बैकग्राउंड कर देंगे तो लाइट ऊपर कहां दिखेगा, इसलिए उल्टा है। सो ये वाला भी ऐसी है ना, ये सारे तो पहले से हैं, इसमें सिर्फ फिल करने वाला है, टेक्स्ट ब्लैक ही रहेगा जो है। उसके अलावा तुम लोगों को चेंज करना हो, यहाँ जाओ, कस्टम फॉर्मेट, कुछ खुला, अब क्या क्या करना चाहते हो, क्या क्या करना है, हम जनरली क्या करते हैं, फॉर्मेट ही कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं करते चीज़ें, मतलब कलर ही कर देते हैं सिर्फ, बाकी तो तुम कर सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें पता है बॉर्डर भी, बॉर्डर कैसे डालना है ना, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग बॉर्डर डाल देगा, ये बॉर्डर के ऑप्शन हैं, कौन सी लाइन डालनी है, कौन सी नहीं है, है ना, ठीक है। ये तुम लोग एक्सप्लोर कर लेना, मैं तुम्हें सिर्फ कंडीशन फॉर्मेटिंग करा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो फिलहाल नॉर्मल हम कंडीशंस पे काम करेंगे, मैं कर देता हूँ जनरल, ये कर देते हैं, ठीक है, येलो थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो जाता है इसलिए, ठीक है, जहां भी ग्रेटर देन 20 होगा, मैंने इस रेंज में लगाया है, सिर्फ इसी रेंज के लिए काम करेगा, 20 ग्रेटर देन 20 तो नहीं है, ठीक है। सी बॉर्डर आ रहा है सबके साथ, जहां जहां मैं 20 से ऊपर टैप कर रहा हूँ बॉर्डर आ रहा है, क्यों, देखो यहाँ बॉर्डर नहीं है ना, मैंने देखो 12 पे बॉर्डर नहीं है, मैं जैसे 60 बनाता हूँ यहाँ, क्यों, अभी मैं तुम लोगों को बॉर्डर दिखाने के टाइम पे बॉर्डर किया था, बॉर्डर पे क्लिक किया था, तो इसलिए उसने बॉर्डर वाला परमिट भी लिया है, समझ में आया, क्लियर है। अब मैं यहाँ कहीं टाइप करूँ तो यहाँ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जिस रेंज पे लगाया है सिर्फ वही काम करेगा, क्लियर है। इस पे जाके डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो, या एडिट रोल में जाके, और कोई नया लगाना हो तो नया देखेंगे वो बाद में, ठीक है, पहले इसको हटाना हो तो डिलीट,
ये विंडो मैंने शॉर्टकट यूज ही नहीं किया, मैंने क्या किया, बस हाथ जल के नहीं चलाया, ऑल्ट एच एल आर, ठीक है। और तुम लोग अपने आप को इतना अच्छा कर सकते हो कि सामने वाले को लगे शॉर्टकट यूज किया है। एक ही बात है, वो पिछले वर्जन की है, सिर्फ इस वर्जन में ऑल्ट एच चला रहे हैं, सेम एज ऑल्ट ओ सी ए ऑटो विथ के लिए, ठीक है। वो पुराने वर्जन की है, इसमें जाओगे तो ऑल्ट एच ऑल्ट एच ओ फिर अंदर जाके ऑल्ट एच करने पड़ता है, सब पिवट टेबल का डीपी ऑल्ट वो तो डीपी अलग का वाला एन एन के साथ इंसर्ट आता है और पिवट टेबल के वी होता है, ठीक है, बताऊंगा। ऑल्ट डीपी पिवट टेबल का दूसरा वर्जन है जो तुम्हें ऑप्शंस नहीं मिलते हैं उसके लिए बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल कंडीशन फॉर्मेटिंग पे रहते हैं, यहाँ से जाके हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इनकेस मैंने अप्लाई नहीं किया है तो वो डिलीट नहीं हुआ है। देखो यहाँ था ना, डिलीट नहीं हुआ ना, देखो क्यों, क्योंकि मैंने इसे डिलीट करने के बाद अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। मैं हटा देता हूँ, अभी भी नहीं अप्लाई कर रहा, क्यों, मैं डिलीट ही नहीं कर रहा हूँ। Alt H, ठीक है, L, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्लियर रूल आ रहा है, डायरेक्ट इस पर क्लिक करो, क्लियर। देखो अभी इसमें दो ऑप्शन है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, सिलेक्टेड मतलब जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब हो सकता है हमारी शीट पे इसके अलावा हमने कहीं और भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई हो, सिलेक्ट करिए कहीं और भी लगा रखी हो, सकता है ना, सब पे से ही हटाना हो तो फ्रॉम एंटायर शीट, पूरी शीट में कहीं भी लगी हो, और सिर्फ हमें सिलेक्टेड रीजन में से हटाना हो तो ये, क्लियर। तो अभी मैं कोई सा भी लगाऊं क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एक ही जगह लगी हुई है, मतलब दो ऑप्शन थे ना क्लियर रूल्स के, दोनों में से कोई भी यूज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हट गई, ओके। अब ऑल्ट और क्या ऑप्शन है, ऑल्ट एच एल, मैंने क्या किया, राइट एरो किया ऑप्शंस खोलने के लिए, ठीक है। ग्रेटर देन वाला हो गया, लेस देन, लेस देन भी कर लोगे, बिटवीन कर सकते हो, बिटवीन दे देते हैं, ठीक है, दो वैल्यूज दे देंगे उसके बीच, उसके बीच, ठीक है, क्लियर है। मैं अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, तो फॉर्मेट तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तुम लोगों को पता है, कलर ही तो डालना है, ओके। इक्वल टू भी कर सकते हो, शुभम टेक्स्ट दैट कंटेंस, तुम्हें टेक्स्ट क्या डालना है वो चीज है तो उसे हाईलाइट करो, सी मैं दिखा देता हूँ, लेट मुझे इसमें जी जिसमें फोर हो, क्या हो, फोर, शुरू में हो लास्ट में हो, अकेला हो किसी के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाइल्ड कार्ड यूज करते थे स्टार के साथ, वही मान लो पर बिना वाइल्ड कार्ड्स के, फोर फोर है 24 में 14 में, ऊपर वाला 4 मैंने 20-21 बना दिया, इसलिए वहाँ 4 नहीं है, है ना, सी। अब बॉर्डर नहीं आ रहा ना, क्योंकि अब मैंने दूसरी फॉर्मेटिंग लगाई उसमें बॉर्डर तो लगाया नहीं है, क्लियर है। एंड आउट कुछ भी यूज कर लो, है ना, अच्छा कंटेंस हो गया, डेट ऑक्यूरिंग, ओके ये डेट्स पे काम करेगा, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये किस पे काम करेगा, डेट्स पे, इस पे काम करेगा नहीं, देखें यस्टरडे क्या है इसमें, लास्ट सबसे कम क्या जा सकता है, लास्ट मंथ आया ना, उससे पहले जा सकते हैं, अगर मैं लेट अगर ये 2-4 साल पीछे जा सकता, 50 साल पीछे जा सकता, 100 साल पीछे जा सकता, तो ये हाईलाइट कर सकता था इन्हें, हाँ या ना, ना कौन कौन ना बोल रहा है,
हाँ कौन कौन बोल रहे हैं? चलो ठीक है. क्या जाए देखें, ये है ना नंबर ही तो है. अभी डेट ऑफ एक्यूरेशन पे काम करने पायलट करेगा ये. आज की कौन सी है? नहीं, अगर मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट 3 करूं तो कहां कर रहा है तो बेचारा. दोबारा से लगा के देख लेते हैं ना क्या होगा. यस्टरडे कोई डेट नहीं है, टुडे की है. क्लियर है? हाँ जी, फॉर्मेट होना चाहिए. नहीं होगा तो नहीं होगा. हम लोगों ने नंबर डाल के देख लिया. अब क्या करना है समझ में आ गया? क्या क्या डेट ले सकते हैं इसमें अकॉर्डिंगली? टुमारो है ही नहीं कोई. लास्ट वीक नहीं होगी. दिस वीक नहीं है. लास्ट मंथ है. ठीक है, अब देखो ये जो 00 वाली है कौन सा ईयर है? 1900 है ना, क्यों? क्योंकि वो नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही थे तो उसके अकॉर्डिंग उसने डेट दी. अगर मैं उन्हें डेट में कन्वर्ट करूंगा तो उसी टाइम की डेट बनेगी ना, क्योंकि आज की डेट तो 4, 3, 3, 7 वाला है. उसके अकॉर्डिंग काम करना है. क्लियर है? डेट समझ में आ गई तो ये चीज़ें तुम अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर. अब जैसे मैं टुडे का फायदा ये है कि मुझे आज की डेट्स हाईलाइट करानी है. अगर मैं अगले दिन खोलूंगा तो फिर वो अगले दिन की कराएगा, है ना? अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, मुझे बार बार ढूंढने नहीं पड़ेगा. अच्छा आज ये डेट है, अब ये कौन सा हाईलाइट, वो कल वाला हाईलाइट रह गया. नहीं, उससे क्या होगा, आज वाला ही हाईलाइट होगा. सेम तो भी यस्टरडे के लिए भी कर सकते हो, नेक्स्ट वीक के लिए भी, है ना? ये देखो 2050 ही है. नहीं, 3150 है. ठीक है, ओके. और टचल डेट ऑफ क्यूरिंग हो गया. डुप्लीकेट वैल्यूज, जो डुप्लीकेट दोबारा एक से ज्यादा बार रिपीट होंगी. ठीक है, जो जो एक से ज्यादा बार रिपीट होंगी वो सारी डुप्लीकेट. 50 है? नहीं है. और है? है. अब है? ठीक है, कोई डाउट? ये डन. नेक्स्ट आते हैं टॉप बॉटम. टॉप 10 आइटम्स मतलब जो सबसे बड़े 4 वैल्यूज हैं. ठीक है, अब यहाँ डिपेंड करता है, तुम्हें जरूरी नहीं है 10 ही चाहिए, काम ज्यादा भी हो सकता है. मुझे लेट 5 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 5 साल. अब देखो क्या हुआ, हमने पिछला वाला रूल नहीं हटाया था तो Alt HL. अब मैं क्लियर रूल से करूंगा तो क्या होगा, उसे बताना, बताएगा कौन कौन सा रूल हटाना है हमें.
हमने तो दो रूल लगाया ना, कौन कैसे बताएगा? तो हम क्या करें, मैनर रोज रूल में जाएंगे, जो अभी खोल रहा था मैं, ऑल्ट एच एल आर, ठीक है? कौन कौन से लगाए हुए हैं? डुप्लीकेट, यस्टरडे, हमें ये दोनों नहीं चाहिए, है ना? डिलीट, डिलीट दिस वन टू, ठीक है? एंड देन अप्लाई, हमारे पास सिर्फ यही रह गया। क्या किया था हमने? टॉप फाइव, है ना? बट डुप्लीकेट अभी नहीं हटा। कहाँ डुप्लीकेट्स हैं? ठीक है, कोई डाउट? अगर मुझे ऐसे ही हो सकता है मुझे टॉप थ्री परफॉर्मर निकालने हो, किसने सबसे ज़्यादा काम किया है तीन बंदों ने, तो उनके सामने उनका काउंट भी होगा, काउंट पे टॉप थ्री का लगा सकते हैं, सिंपल है ना? ओके भी कर दो डायरेक्ट, तो भी ठीक है। मैं ओके भी नहीं कर रहा था ना पहले, हाँ जी, परसेंटेज वाला बताऊंगा थोड़ी देर बाद। बॉटम टेन एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है? बॉटम 10% इसका अपोजिट है। एवरेज, एक एवरेज से ऊपर वाले कितने हैं और एवरेज से नीचे वाले कितने? सी अबव एवरेज। एवरेज देखो, तुम्हारे पास नंबर्स की लिस्ट है, उसमें एवरेज तो अपने आप होगा ना उनका, वो अपने आप जो तुमने सेलेक्ट किया है उस पोर्शन का एवरेज। सी यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ एवरेज आते हैं, अब इससे ऊपर मैं अगर कोई वैल्यू डालता हूँ, चाहे वो 50 बार हो, सब हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है? ये उससे कम होगी, क्यों? एवरेज बढ़ गया। और एवरेज क्यों बढ़ गया? इन वैल्यूज की वजह से, ठीक है? इन वैल्यूज की वजह से एवरेज बढ़ गया ना, क्यों? कितना था पहले? पहले 3 सी, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ऐसे बिलो एवरेज का ऑप्शन होगा, अब परसेंटेज पे आते हैं ना, परसेंटेज ज्यादा इजी समझ में आएगा सीरियल नंबर से, क्यों? अगर रैंडम डालूंगा तो मैं कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, उससे बेटर है सीरियल नंबर से सीख लो। ओके, क्या हुआ ये? ओके, अब मेरे पास सिलेक्शन नहीं है, ठीक है? मुझे नहीं पता कहाँ तक था, ऑल्ट एच एल, ठीक है, क्लियर रोज एंटायर, ठीक है, सिंपल है ना? ठीक है, कितने तक डाला है? राउंड ऑफ कर लेते हैं, है ना? लेट 400 तक है। अब क्या करना है? ऑल्ट एच एल, सी देखो एच एल तक आ गए, इसके बाद हमें कहाँ जाना है? टॉप बॉटम वैल्यूज वाले पे, तो टी, उसके बाद टॉप 10% वाले पे, तो पी। अब हाँ जी, अब क्या कह रहे हैं? टॉप 10%, 400 है हमारा मैक्स, 10% कितना होगा? 40, तो टॉप 40 तक की वैल्यूज, मतलब 400, 399, 398, 397, कहाँ तक जाएगा? 361, देखिए वहीं तक आया है। सी एग्जैक्ट है, 20 डालूंगा तो कितना आएगा? 81, मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ कहां तक? 381 से 400 तक, हाँ जी, 321,
ठीक है, क्यों? 400 का 20% कितना होता है? 10% कितना था? 10% कितना था? 40, 20% 80, तो 80 वैल्यूज होंगी ना टॉप। अगर इसे मैं 5% कर दूं तो अब 400 का 5% ओके, परसेंटेज समझाते हैं। चलो सबसे पहले तो कितना डाला मैंने, 5% है ना, ये 71 तक होगा, नहीं मैंने हटाया ही नहीं है शायद, दो लग गए ना, एक 5% एक 10%, तो मैं 10 हटा देता हूँ, तो कहाँ तक रहेगी वैल्यू? 81 तक। ओके, परसेंटेज समझ में नहीं आया, परसेंटेज होता क्या है? हाँ जी, परसेंटेज समझाऊँ, 100 का 1% कितना होता है? परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है यही नहीं पता सबसे पहले, 100 के बेस पे कैलकुलेट होता है, परसेंटेज का मतलब है डिवाइड बाय 100, आंख बंद करके रट लो ये वाला रूल, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100, ठीक है? तो कहां से किसके बेस पे कैलकुलेट होगा परसेंटेज? 100 के बेस पे, ठीक है? 100% कितना होता है अगर उसे न्यूमेरिक वैल्यू दूं तो मैं 1, 100% मतलब 1, क्यों? 100 डिवाइड बाय 100 कितना होगा 1, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 डिवाइड बाय 100, तो 100 इज डिवाइडेड बाय 100 मींस 1, क्लियर है? तो अगर मुझे 1 का 100% निकालना है तो 1 का 100%100% मतलब 1 into 20% divided by 100 समझ में आया परसेंटेज? 2 का 100% फिर सोच रहे हो? 100% ही पूछ रहा हूँ ये तो मैं। 5 का 100% हाँ, 5 का 50% 2.5, ठीक है? क्यों? 50 divided by 100 कितना होगा? 1/2, दैट इज हाफ, तो इंटू 5 करेंगे तो 5 इंटू हाफ तो हाफ ही होगा ना 5 का, क्लियर है? ऐसे परसेंटेज कैलकुलेट होती है, समझ में आया? तो अगर मुझे अब 10 का 20% निकालना है तो क्या करूँगा मैं? 10 इंटू 20 परफेक्ट डिवाइड बाय 100। अब ये कैलकुलेशन और सिंपल करते हैं, 20 में 0 है, 0 खत्म करो, 10 वाला भी 0 है, वो भी खत्म करते हैं, दोनों 0 गए, क्या बचा? 1 into 2 कितना आया? 2, 10 का 20% अब वैसे ही मैं अगर 400 का 20% निकालूंगा तो जल्दी बोलो 400 into 20 divided by 400 का 2 0 गए, 20 into 4 80, सिंपल, आया समझ में? आ गया परसेंटेज समझ में? उस बेस पे तुम्हारा कंडीशन फॉर्मेटिंग काम करेगा, परसेंटेज वाला, बिलो परसेंटेज जो भी तुम दोगे और अबव दोनों वाला, क्लियर है? कोई डाउट? ये